वो अपने आप को शीशे में देख रही है, या फिर उसने खुद ही रिपोर्ट सबमिट कर दी, वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, या फिर वो खुद ही वहां चला गया। हम इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर यूज आता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, ऐसे वर्ड्स का। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पहली बात तो हमें ये पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाउंस की जगह आते हैं। ओके, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है और वो वर्ड्स सब्जेक्ट को वापस रेफर कर रहे होते हैं, यानी कि उसके बारे में वापस बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर। तो अरबिक शी एक सब्जेक्ट है और हरसेल्फ किसको रेफर कर रहा है? शी को ही रेफर कर रहा है, यानी कि उस सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। उसने अपने आप को देखा कहाँ? मिरर में। और ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि उसने किसको हर्ट किया? अपने आप को ही हर्ट कर लिया, खुद को ही हर्ट कर लिया। तो यानी कि सब्जेक्ट को ही हर्ट कर लिया ना, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और द चिल्ड्रन आर इंजॉइंग देमसेल्फ, यानी कि बच्चे खुद ही इंजॉय कर रहे हैं। अब दूसरा यूज इसका ये है कि जब हम सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज कर रहे होते, यानी कि उस पर जोर दे रहे होते कि हाँ भाई ये काम तो उसने ही किया था, यानी कि खुद से ही कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, शी हरसेल्फ गेव द रिपोर्ट, यानी कि उसने खुद ही वो रिपोर्ट दे दी, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर उसने किसी और से बोला नहीं। और ही हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द इन्विटेशन कार्ड, यानी कि उसने खुद ही इन्विटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी से पूछा भी नहीं, उसने खुद ही जाके इन्विटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और आई माई सेल्फ ओपन द डोर, यानी कि मैंने खुद ही दरवाजा खोल दिया। ओके, तो अब आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि आरुषि योरसेल्फ और योरसेल्फ का क्या करें? ये दोनों तो अलग है या सेम है? ये दोनों अलग हैं। तो योरसेल्फ यानी कि आपको ये चीज पता है कि यू हम सिंगुलर के लिए और प्लुरल के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं, राइट? तो जब हम सिंगुलर के लिए बात कर रहे होते हैं तब हम योरसेल्फ बोलते हैं, लेकिन जब हम प्लुरल के लिए बात कर रहे होते हैं तब हम योरसेल्फ्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू योरसेल्फ स्लैम द डोर, यानी कि तुमने खुद ही दरवाजा पटक के बंद कर दिया था। ओके, और मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, तो इसी वजह से ये सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया एंड माई सेल्फ आर स्टडिंग टुगेदर। नो, प्रिया एंड आई आर स्टडिंग टुगेदर, ये सेंटेंस एकदम सही होगा। तो अब आप मुझे और एग्जाम्पल्स बताइए इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।